हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 12 श्लोक संख्या 35 से प्रारंभ करके आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तत्थाम वृन्दावनम् रम्याकाचिदुपासनम् व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालम् प्रेम उमर्थुमः श्रीचैतन्य तत्राधरो नापरा करारिविन्दे नपदारिविन्दं मुखारिविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्र स्यपुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसास्मरामि। श्रीकृष्णगोविन्दहरे मुरारि हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्व मृत्युमेतदेव गोविन्द दामो धर्माधवेति। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलखिशो जय गोपी चित छोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 12 जिसका शीर्षक है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। तो हमने देखा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना से पहले अविद्या की रचना की, उसके उपरांत चार कुमारों को उत्पन्न करके उन्हें इस संसार की सृजन में सहायता करने का आदेश दिया, परंतु उन्होंने इस आदेश को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि वास्तविक धर्म तो भगवत भक्ति है। उसके उपरांत ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध से महादेव रुद्र को प्रकट किया और उनकी सृष्टि से भयभीत होने के उपरांत उन्हें सृजन करने के कार्य से रोक दिया और तपस्या के लिए भेज दिया। फिर ब्रह्मा जी ने 10 विभिन्न ऋषियों को उत्पन्न किया और एक पुत्री को उत्पन्न करके
उनके प्रति आकर्षित हो गए, परंतु जैसे ही भगवान की कृपा से उनका हृदय शुद्ध और निर्मल हो गया तो उन्होंने वेदों की रचना प्रारंभ कर दी। और आज हम श्लोक नंबर 34-35 से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इस संसार के विभिन्न प्रकार के चार साज सामग्री, चार है ना जो सिद्धांत हैं, और चार वर्ण आश्रम को ब्रह्मा जी ने किस तरह से प्रकट किया। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, चातुर्होत्रम कर्मतंत्रम उपवेदनया है सह धर्मस्य पादाश्चत्वार अस्तथैवाश्रमावृतया। चातुर्होत्रम, चातुर मतलब चार, होत्र मतलब यज्ञ की सामग्री, कर्म यानी कर्म, तंत्रम यानी ऐसे कार्यकलाप की विस्तार, उपवेद नया है, उपवेद मतलब वेदों के पूरक, जो वेद को अच्छे से डिस्क्राइब करें, नया है तथा तर्कशास्त्रीय निर्णय, सह मतलब उनके साथ, धर्मस्य पादाश चत्वारो, धर्मस्य यानी धर्म के पादाश यानी सिद्धांत, चत्वार यानी चार, धर्म के चार सिद्धांत, तथा एव इसी प्रकार से आश्रम वृतयः, आश्रम अर्थात सामाजिक व्यवस्था, चार प्रकार के जो आश्रम है वो, वृतयः अर्थात पेशे या वृत्तियां, अनुवाद देखिए, अग्नि यज्ञ को समाहित करने वाली चार प्रकार की साज सामग्री प्रकट हुई। चातुर्होत्रम कौन कौन सी है? ये प्रकार है, यज्ञकर्ता मतलब जो यज्ञ करने वाला है, होता अर्थात जो उसकी सामग्री होती है, अग्नि यानी जिसमें यज्ञ किया जाता है, उपवेदों के रूप में संपन्न कर्म, और वो कर्म जो वेदों के स्वरूप में बताया जाता है, जो मतलब प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद धर्म के चार सिद्धांत, धर्म से पादा चत्वारों कौन से हैं? तप शौचम दया सत्यम, सत्य तपस्या दया तथा शौच, एवं चारों आश्रमों के कर्तव्यों कर्तव्य भी प्रकट हुए। और कौन कौन से आश्रम में, आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, और उनके कौन कौन से कर्तव्य हैं उनको ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। श्री प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि खाना, सोना, रक्षा करना तथा संभोग करना, ये चार शारीरिक मांगे पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती हैं। ये तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो पशुओं में भी होता है, और वही ये मनुष्य के शरीर की भी मांग है। लेकिन मानव समाज को पशुओं से विलग करने के लिए वर्णों तथा आश्रमों के रूप में धार्मिक कार्यकलाप संपन्न किए जाते हैं, लेकिन केवल इतना ही तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। इसलिए इस मनुष्य जीवन को वर्ण और आश्रम, वर्ण कौन से हैं? वर्ण है ब्रह्मचर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण हैं। और आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उनके रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि वो अपने अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए आगे भगवत प्राप्ति की ओर यानी अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ सकें। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनका स्पष्ट उल्लेख वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है, और जब चार वेद ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा द्वारा
इनका प्राकट्य किया गया। इस तरह वर्णाश्रम के रूप में मानव कर्तव्यों की स्थापना की गई, जिससे सभ्य पुरुष इनका पालन कर सके। जो लोग परंपरागत रूप से इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे आर्य या प्रगतिशील मानव कहलाते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर और उत्तम शिक्षा दे रहे हैं कि जब तक जीव वेदों में वर्णित इन वर्णाश्रम के धर्मों के विषय में, उनके कर्तव्यों के विषय में नहीं समझता, जब तक उसे ये समझ में नहीं आता है कि हमारे इस वास्तविक मनुष्य जन्म का क्या अर्थ है, क्या प्राप्त करने के लिए मिला, तब तक तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब मनुष्य अपनी बुद्धि को यूज़ करता है और वेदों और शास्त्रों में वर्णित इन समस्त कर्तव्यों का पालन करता है, तभी मानव कर्तव्य पूरे करने के उपरांत उसे आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति प्राप्त होती है। इतना बताने के बाद मैत्रेय मुनि से विदुर जी पूछते हैं कि हे महामुनि, हे तपोधन, आप मुझे ये बताइए कि ब्रह्मा जी के मुख से जो वेद प्रकट हुए, उनको ब्रह्मा जी ने किसकी सहायता से स्थापित किया? विदुर उवाच, सवै विश्व सृजामीशो वेदादीन मुखतो सृज यद्यद्येना सृज देवा तन्मे ब्रूहि तपोधन। सवै स विदुर उवाच, यानी विदुर ने कहा, स मन वह यानी ब्रह्मा जी, वै मन निश्चय ही, विश्व सृजाम ईश, विश्व मन ब्रह्मांड, सृजाम मन सृजन करता, ईश मन नियंता, वो ब्रह्मा जी जो संसार के सृजन करता है, ईश है। वेदादीन मुखतो सृज, वेद आदीन यानी वेद इत्यादि, मुखत मुख से, सृजत अर्थात स्थापित किए, यद्यद् येना सृजत, यद्यद् जो जो, येन जिससे, असृजत यानी उत्पन्न किया, वेद यानी देव अर्थात देवता, तन्मे ब्रूहि तनुम तपोधन, तन्मे वह सब मे मन मुझको, ब्रूहि यानी बतलाइए, तपोधन अर्थात मैत्रेय मुनि को कहते हैं, हे मुनि, तपस्या ही जिसका एकमात्र धन है। अनुवाद देखिए, विदुर ने कहा, हे तपोधन, हे महामुनि, कृपया मुझसे यह बतलाइए कि ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से उस वैदिक ज्ञान की स्थापना की जो कि उनके मुख से उत्पन्न हुआ था। अब मैत्रेय मुनि उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। श्री मैत्रेय उवाच, ऋग्यजु सामार्थव्या, ऋग्यजु सामार्थाख्यान वेदान पूर्वादि भीर्मुखै शास्त्र मिज्ञां स्तुति स्तोमं प्रायश्चित्तं व्यधात् क्रमात्। ऋक् यजुर् सामार्थ अथर्वाख्यान, ये मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, ऋक् यजुर् साम अथर् यानी चार वेदों के नाम है, आख्यान मतलब उनके नाम है, ठीक है। वेदान पूर्वादि भीर्मुख है, वेदान मतलब वैदिक ग्रंथ, पूर्व आदि अर्थात सामने से प्रारंभ करके मुख है यानी मुख से, यानी जो फर्स्ट उनका सामने वाला है उससे ऋग, उसके बाद यजुर, फिर साम और अथर्व, इस तरह से उनके मुखों से उत्पन्न हुए। शास्त्रम इज्ज्याम, शास्त्रम यानी पूर्व अनुचित वैदिक मंत्र, इज्ज्याम यानी
பௌரோஹித்து அனுஷ்டான் ஸ்தூத்தி ஸ்தோமம் யானி பாஞ்சனே வாலிக்கு விஷய வஸ்து ஓர் உஸ்கே அப்பராந்த் பிராயஷ்சித்தம் யதாத் பிராயஷ்சித்தம் யானி திவ்ய கர்ம் ஜின்கே கர்னே சே ஹமாரி அப்ராத் நஷ்ட ஹோத்தே ஹே ஓர் வியதாத் ஸ்தாபித் கியா க்ரமாத் யானி क्रम बंद होकर ब्रह्मा जी अब ये कार्य करने वाले हैं। अनुवाद देखिए, मैत्रेय ने कहा, ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः चार वेद ऋक् साम यजुर् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद आविर्भूत हुए। तत्पश्चात इसके पूर्व अनुच्चरित वैदिक स्तोत्र पौरोहित्य अनुष्ठान पाठ की विषय वस्तु तथा दिव्य कार्यकलाप एक एक करके स्थापित किए गए। अब क्योंकि ब्रह्मा जी पूछे ना कि किस तरह से किया इन वेदों का विस्तार और इनकी स्थापना कैसे हुई, तो वो ये सब क्रमशः बता रहे हैं कि इसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया और आगे क्या किया। आयुर्वेदम धनुर्वेदम गांध्रवं वेदमात्मना स्थापत्यं चास्रिजद्वेदं क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखै। आयुर्वेदं धनुर्वेदं गंधर्व वेद मात्मना। आयुर्वेद का मतलब होता है औषधि ज्ञान, यानी मेडिकल जो भी ज्ञान होता है ना, मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो। धनुर्वेदम मतलब सैन्य विज्ञान, जैसे युद्ध की कला होती है। गंधर्वम अर्थात संगीत कला, जैसे जो राग रागनिया होते हैं उनकी कला। वेदम ये सभी वैदिक ज्ञान है, मतलब इस संसार में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो कि वेदों में बताया ना गया हो। आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्व वेद ये सब पहले से ही सनातन धर्म से उत्पन्न हुए, और ये सारी वस्तुएं जो हैं अलग अलग लोगों ने सनातन धर्म से ही उनको ग्रहण किया है। कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो हमारे वेदों में ना हो। और आगे कहते हैं आत्मना, यानी ये सब ब्रह्मा जी ने अपने आप से उत्पन्न किए। स्थापत्यम चास्रिजत वेदम, स्थापत्यम यानी वास्तु संबंधी विज्ञान, जैसे वास्तु दोष वगैरह बताते ना, वो भी वेदों में बताया गया है। च असृजतम यानी सृष्टि की, वेदिम वेदम यानी ज्ञान, क्रमात् पूर्वादि भिर्मुखे, क्रमात् यानी क्रमशः सीरीज में, पूर्व आदि यानी पूर्व कहते हैं जो सामने वाला मुख है उससे प्रारंभ करके मुख है अर्थात उनके दूसरे मुखों के द्वारा ये सब वस्तुएं आयुर्वेद गंधर्ववेद धनुर्वेद और ये औषधि विज्ञान संगीत कला ये सब उत्पन्न हुए। अनुवाद देखिए, उन्होंने औषधि विज्ञान सैन्य विज्ञान संगीत कला तथा स्थापित्य विज्ञान की भी सृष्टि वेदों से की। ये सभी सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः प्रकट हुए। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वेदों में पूर्ण ज्ञान पाया जाता है, जिसमें ना केवल इस लोक के अपितु अन्य मानव लोकों के समाज के लिए भी आवश्यक सभी प्रकार का ज्ञान सम्मिलित है। ऐसा समझा जाता है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य कला भी उसी तरह आवश्यक ज्ञान है जिस तरह संगीत कला। ज्ञान के ये सारे समूह तप पुराण या वेदों के पूरक कहलाते हैं। वेदों का मुख्य विषय आध्यात्मिक ज्ञान है, किंतु मनुष्य के ज्ञान की आध्यात्मिक रुचि में सहायता पहुंचाने के लिए अन्य जानकारी वैदिक ज्ञान की आवश्यक सूचनाओं का निर्माण करती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि
वेदों का वास्तविक उद्देश्य ये सब नहीं है कि औषधि ज्ञान, धनुर्विद्या, संगीत कला या युद्ध का जो ज्ञान या कुछ भी। वेदों में सब कुछ ज्ञान तो बताया गया है, लेकिन वेदों का सार क्या है, जो कि भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। वास्तव में वेदों में बहुत कुछ बताया गया, क्योंकि संसार में जीव आया ही तो इसलिए है कि वो संसार से आनंदित होना चाहता है, तो उसके लिए संपूर्ण ज्ञान बताया गया। लेकिन वास्तव में जो वेदों का रियल उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति ही है, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं। और उसके बाद मैत्रेय मुनि कहते हैं, इतिहास पुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्य एव वक्तरेभ्यः सस्रजे सर्वदर्शनम्। इतिहास पुराणानि, इतिहास अर्थात जो भूतकाल में घटित हो चुका है, जो सच्ची घटनाएं हैं। पुराणानि यानी पुराण, पूरक वेद यानी जो पुराण है, 18 पुराण। पंचमम वेदम ईश्वर, पंचमम यानी पांचवा, वेदम यानी वैदिक वाङ्मय, ईश्वर यानी भगवान। सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्य, सर्वेभ्य अर्थात सब मिलाकर, एव निश्चय ही, वक्त्रेभ्य अर्थात अपने मुखों से, अपने ही मुख से उन्होंने इन सब की सृष्टि की। सिसृजे सर्वदर्शन, सिसृजे अर्थात उत्पन्न किया, सर्वदर्शन सर्वमन चारों ओर, दर्शन जो हर समय देख सकता है। अनुवाद देखिए, तब उन्होंने अपने सारे मुखों से पांचवें वेद, पुराणों तथा इतिहासों की सृष्टि की, क्योंकि वे संपूर्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य के को देख सकते थे। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, विशिष्ट देशों तथा राष्ट्रों के और उसी के साथ संसार के अपने इतिहास हैं, किंतु पुराण सारे ब्रह्मांड के ना केवल एक कल्प के अपितु अनेक कल्पों के इतिहास हैं। ब्रह्मा को इन ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान है, अतएव सभी पुराण इतिहास हैं, चूंकि उनकी मूल रचना ब्रह्मा द्वारा की गई है, अतएव वे वेदों के अंग रूप हैं और पंचम वेद कहलाते हैं। तो जितने पुराण और इतिहास हैं, वो अलग अलग कल्पों में जो भगवान ने लीलाएं की हैं, या जो भगवान के भक्तों के द्वारा, और चूंकि ब्रह्मा जी को यहाँ पर बताया गया सर्वदर्शन, मतलब वो सब हर प्रकार के हर समय को देख सकते हैं, इसलिए उन्होंने इन सब वेदों की रचना के उपरांत पुराणों की रचना की और इतिहास की रचना की। मैत्रेय मुनि कहते हैं, षोडशयुक्तौ पूर्ववत्रात् पुरीष्यग्निष्टुतावत् आप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं सगोसवम्। षोडशयुक्तौ, षोडशी अर्थात यज्ञ के जो प्रकार हैं, षोडशयुक्तौ अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं। पूर्व वक्त्रात् यानी पूर्वी मुंह से, उनका जो पूर्व पुरुष अग्निष्टु तावत अर्थात यज्ञ के अलग अलग जो प्रकार हैं, अथ तब आतोर्याम इति रात्रौ यानी यज्ञों के प्रकार, च तथा वाजपेय एक प्रकार का यज्ञ। ये सारे अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में बताए जा रहे हैं, जो भी नाम है ना वो सब अलग अलग।
ये सब अलग अलग यज्ञ हैं। कौन कौन से हैं? आतुर्याम है और अतिरात्रो है, वाजपेयम ये भी एक यज्ञ है, स गोसवम वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो ब्रह्मा जी ने इन सब यज्ञों को उत्पन्न किया। अनुवाद देखिए, ब्रह्मा के पूर्वी मुख से विभिन्न प्रकार के समस्त अग्नि यज्ञ यानी षोडशी उक्त ऊरीश अग्निष्टोम आप्तोर्याम अतिरात्र वाजपेय तथा गोसव ये सारे यज्ञ प्रकट हुए। और क्योंकि संसार में आकर यज्ञ करना बहुत आवश्यक है, इसलिए इन यज्ञों की ब्रह्मा जी ने अपने मुख से उत्पत्ति की। उसके उपरांत मैत्रेय मुनि कहते हैं, विद्यादानं तपस्सत्यं धर्मस्येति पदानि च आश्रमाश्च यथासंख्यम् असृजत् सहवृत्तिभिः। विद्या दानम तपः सत्यम। विद्या मतलब ज्ञान, दानम मतलब दान, तप मतलब तपस्या, सत्यम अर्थात सत्य। धर्मस्येति पदानि च, धर्मस्य अर्थात धर्म के इति प्रकार पदानि चार पाऊं त, यानी तपः शौचम दया सत्यम, ये और विद्या दान तपस्या तथा सत्य ये चार प्रकार के धर्म के पेड़ हैं। आश्रमाश्च यथा संख्यम असृजत् सह वृत्तिभिः। विद्या दानम तपः सत्यम। विद्या मतलब ज्ञान, दान मतलब जो दान हम देते हैं, तपस्या सत्य। धर्मस्येति पदानि च, ये धर्म के चार पांव हैं। च आश्रमाश्च यथा संख्यम, आश्रम अर्थात आश्रमों च भी यथा, वे जिस प्रकार, संख्यम यानी संख्या में, सृजत सह, सृजत सह मतलब रचना की, सह मतलब साथ साथ, वृत्ति भी अर्थात पेशों या वृत्तियों के द्वारा। अनुवाद, शिक्षा दान तपस्या तथा सत्य को धर्म के चार पांव कहा जाता है और उन्हें सीखने के लिए चार आश्रम हैं, जिनमें वृत्तियों के अनुसार जातियों यानी वर्णों का अलग अलग विभाजन रहता है। ब्रह्मा ने इन सबों की क्रमबद्ध रूप से रचना की। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि चारों आश्रमों, ब्रह्मचर्य अर्थात क्षात्र जीवन, ग्रस्त अर्थात पारिवारिक जीवन, वानप्रस्थ अर्थात तपस्या के निमित्त निवृत्त जीवन तथा संन्यास अर्थात सत्य के प्रचार के हेतु विरक्त जीवन, इसके केंद्र के धर्म के चार पांव हैं, वृत्तिपरक विभाग हैं, ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान वर्ग, क्षत्रिय अर्थात प्रशासक वर्ग, वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग तथा शूद्र अर्थात बिना किसी विशेष योग्यता वाले सामान्य श्रमिक वर्ग। ब्रह्मा ने आत्म साक्षात्कार में नियमित उन्नति के लिए इन सबों की कर्मबद्ध योजना की तथा रचना की। ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने के निमित्त है, गृहस्थ इंद्रिय तृप्ति के लिए है, बशर्ते कि यह मन की उदार वृत्ति से की जाए। वानप्रस्थ आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के हेतु तपस्या करने के लिए है और संन्यास सामान्य लोगों को परम सत्य के विषय में उपदेश देने के निमित्त है। समाज के सारे सदस्यों के मिले जुले कार्यों से मानव जीवन के उद्देश्य के उत्थान हेतु अनुकूल स्थिति उत्पन्न करनी है। इस सामाजिक संस्थान की शुरुआत उस शिक्षा पर आधारित है जो मनुष्य की पाशविक लालसाओं को कर्म शुद्ध करने के लिए है,
सर्वोच्च शुद्धिकरण यानी संस्कार विधि शुद्धों में परम शुद्ध पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जितने भी चार वर्ण और आश्रम हैं उनमें कंटिन्यूअस कुछ न कुछ शुद्धिकरण की विधि होनी चाहिए और उनमें परम जो परम शुद्ध शुद्धिकरण की जो विधि है वो क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान। जैसे जैसे जीव के हृदय में भगवान के प्रति ज्ञान और आकर्षण उत्पन्न होता है वैसे वैसे जीव का जीवन परिशुद्ध हो जाता है और वो समस्त पापमय वृत्तियों से बाहर आ जाता है। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, सावित्रम प्राजापत्यम च ब्रह्यम चाथ ब्रह तथा वार्ता संचयशाली अश्लोच इति वैग्रह। सावित्रम अर्थात द्विजों का यज्ञोपवीत संस्कार, जैसे हम यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं ना उसको बोलते हैं सावित्रम। प्राजापत्यम अर्थात एक वर्ष तक व्रत रखने के लिए च तथा ब्रह्मम अर्थात वेदों की स्वीकृति च तथा अथ भी बृहत, बृहत का मतलब है यौन जीवन से पूर्ण व्यक्त विरक्त यानी यौन जीवन सेक्सुअल जीवन से बिल्कुल अलग तथा वार्ता वैदिक आदेशों के अनुसार वृत्ति संचय अर्थात वृत्ति पर कर्तव्य शालीन किसी का सहयोग मांगे बिना जीविका शिलन उंच अर्थात त्यक्त उन्नो की को बीनना इति इस प्रकार वह यद्यपि गृह यति गृहस्थ जीवन में। अनुवाद, तत्पश्चात द्विजों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार यानी सावित्र का सूत्रपात हुआ और उसी के साथ वेदों की स्वीकृति के कर्म से कम से कम एक वर्ष तक पालन किए जाने वाले नियमों यानी प्राजापत्यम यौन जीवन से पूर्ण विरक्त के नियम यानी बृहत वैदिक आदेशों के अनुसार वृत्तियां अर्थात वार्ता ग्रस्त जीवन के विदित पेशेवार कर्तव्य अर्थात संचय तथा परित्यक्त अन्नो से को भीन कर यानी शिलोंच एवं किसी का सहयोग किए बिना अयाचित जीविका चलाने की विविध सूत्रपात हुए। अब ये सब क्या है कि कोई व्यक्ति जो मनुष्य जीवन धारण करता है वो कोई ना कोई अपने जीवन में नियम धारण करता है कि किस तरह से अधिक उन्नति करनी है भगवत प्राप्ति के लिए। तो वो इनमें से कुछ ना कुछ जो उसके गुणों के अनुसार उसको सूट करता है तो वैसी प्रवृत्ति स्वीकार करता है। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचारियों को मनुष्य जीवन की महत्ता के विषय में पूर्ण शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मचारियों को जैसे अभी छोटे ही होते ना तभी से उनको पूरा मनुष्य जीवन की पूरी महत्ता के विषय में बताया जाता है। इस तरह प्रारंभिक शिक्षा विद्यार्थी को पारिवारिक झंझटों से मुक्त बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए थी। जो विद्यार्थी ऐसे व्रत को स्वीकार करने में अक्षम होते थे केवल उन्हें घर वापस जाने और उपयुक्त पत्नी से विवाह करने की अनुमति दी जाती थी, अन्यथा विद्यार्थी जीवन भर यौन जीवन से पूरी तरह विरत रहकर स्थायी ब्रह्मचारी बना रहता था। यह सब विद्यार्थी के प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर करता था। हमें अपने ओम गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज जैसे
व्रतधारी ब्रह्मचारी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। ऐसे महापुरुष नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये बाकी जितना भी है झंझट मारी, ग्रस्त जीवन अपमान अपनाना और उसके बाद ना संतान उत्पन्न करना, उनके संस्कार, ये सब सिर्फ उनके लिए हैं जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रहकर भगवत भक्ति करने में असमर्थ होते। वास्तव में ये मनुष्य जीवन इन सब कुत्ते बिल्लियों के कार्यों के लिए नहीं है। बस विवाह करो, संतान उत्पन्न करो, उसके लिए जियो, उसके लिए कमाओ, ये सब के लिए मनुष्य जीवन थोड़े मिला है। लेकिन फिर भी गृहस्थ जीवन की एक अपनी महिमा है, एक गरिमा है। यदि उसके अनुसार हम जीते हैं तो फिर निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति वो संभव है। परंतु फिर भी श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जो ऐसे ब्रह्मचारी थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। ऐसे होना चाहिए कि केवल जीवन का एक ही उद्देश्य हो, कुछ भी नहीं, बस कृष्ण को प्राप्त करना है। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, वै खानसा वालखिल्यौदु बराफेन पावने न्यासे कुटीचक पूर्वम बहवो दो हंसनेष्क्रियौ। अब विभिन्न प्रकार के सन्यासियों के विषय में बताते हैं। वैख्यानसा वैख्य, ऐसे मनुष्य जो सक्रिय जीवन से अवकाश लेकर अध उबले भोजन पर निर्वाह करते हैं, मतलब वो भोजन के टेस्ट को नहीं देखते, बस थोड़ा सा उबाल कर उसको खा लेते हैं, उसके अंदर मसाले वो सब बोनना उनना कुछ नहीं, ऐसे वैख्यानसा होते हैं। और वालखिल्य, वह जो अधिक अन्न पाने पर पुराने संग्रह को त्याग देते हैं, मतलब आज का नया मिला तो पुराना त्याग देते हैं। औदुम्बरा अर्थात बिस्तर से उठकर जिस दिशा की ओर आगे जाने पर जो मिले उसी पर निर्वाह करना, मतलब इधर उधर घूमना नहीं, बस उसी दिशा पर जाते जो मिल जाए खाला। फेनपा अर्थात वृक्ष से स्वतः गिरे हुए फलों को खाकर रहने वाले। वने यानी जंगल में, न्यासे यानी संन्यास आश्रम में, कुटीचक यानी पारिवारिक परिवार से आसक्ति रहित जीवन। कुटीचक ऐसे होते हैं जो सन्यासी परिवार में रहते मगर उनकी प्रति कोई आसक्ति नहीं होती। पूर्व प्रारंभ में बहवोदह यानी सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर दिव्य सेवा में लगे रहना। हंस यानी दिव्य ज्ञान में पूरी तरह लगा रहना। और निष्क्रिय यानी सभी प्रकार को के कार्यों को बंद करते हुए, कुछ भी कार्य नहीं करते, बस एक ही जगह पर पड़े रहते हैं, ऐसे निष्क्रिय होते हैं। अनुवाद, वानपरस जीवन के चार विभाग हैं। ये वानपरस जीवन के विभाग हैं, वैख्यानसा, वालखिल्य, ओदुम्बरा तथा फैनप। संन्यास आश्रम के भी चार विभाग हैं, कुटीचक, बहोद, हंस तथा निष्क्रिय। ये सभी ब्रह्मा से प्रकट हुए थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वर्णाश्रम धर्म अर्थात चार वर्णों तथा सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन के चार आश्रमों का संस्थान आधुनिक युग की कोई नई ईजाद नहीं है। जैसा कि अल्पज्ञों के का प्रस्ताव है, यह ऐसा संस्थान है जिसकी स्थापना ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में की गई। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 4.13 में भी होती है। चातुर्वर्ण्यमया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागश। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो वर्ण हैं, वर्ण और आश्रम हैं, वो तो स्टार्ट से ही हैं। और यहाँ पर चार प्रकार के वानप्रस्थ, कुछ ऐसे
जो कि बिल्कुल खान मतलब ऐसा जो कुछ मिलता है उस पर खा वही खाकर जीते हैं, और बस थोड़ा सा अन्न रखते हैं या फिर जिस दिशा में जाते हैं वैसा ही खाते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ वृक्ष से गिरे हुए फल खाते हैं। ऐसे चार प्रकार के वानप्रस्थ होते हैं और चार प्रकार के सन्यासी कौन से होते हैं? कुटीचक, जो परिवार से बिल्कुल आसक्ति नहीं रखते। बहुधा, वो सारे कार्यों को त्याग कर भगवान की सेवा करते हैं, उनको और कोई काम नहीं होता। हंस अर्थात दिव्य ज्ञान में इतनी उत्तीर्ण होते हैं कि पूरे संसार को दिव्य ज्ञान फैलाते हैं और निष्क्रिय यानी कुछ कार्य नहीं करते। तो चार प्रकार के वर्ण आश्रम में जो धर्म है वानप्रस्थ और गृहस्थ, उनके अंदर भी चार चार प्रकार के होते हैं। उसके उपरांत मैत्रेय मुनि कहते हैं, आन्वीक्षिक की त्रियाई वार्ता दंडनीतिस्तथैवच एवं व्याहृतयश्चासन् प्रणवो यास्य हृदयतः। आन्वीक्षिकी अर्थात तर्क, त्रयी यानी तीन लक्ष्य जिनके नाम धर्म अर्थ काम मोक्ष, वार्ता यानी इंद्रिय तृप्ति, दंड अर्थात विधि तथा व्यवस्था, नीति अर्थात आचरण संबंधी संहिता तथा भी एवच क्रमशः एवं व्याहृतयश्चास्य एवं इस प्रकार व्याहृतयच यानी भू भव और तथा स्वह नामक विख्यात स्तोत्र च भी आसन प्रणवः ही। आसन मतलब उत्पन्न हुए, प्रणव मतलब ओंकार, ही निश्चय ही अस्य यानी उसका यानी ब्रह्मा का दहर्तः अर्थात हृदय से। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, तर्क शास्त्र विज्ञान जीवन के वैदिक लक्ष्य, कानून तथा व्यवस्था आचार संहिता तथा भू भव स्वह नामक विख्यात मंत्र, ये सब ब्रह्मा के हृदय से प्रकट हुए, सॉरी मुख से प्रकट हुए और उनके हृदय से प्रणव अर्थात ओमकार प्रकट हुए। मैत्रेय मुनि श्लोक नंबर 45 में कहते हैं, तस्यो श्रृंगासिलोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभो त्रिष्टुमांसात् स्नुतो नुष्टो जगत्यस्थन यगत्यस्नः प्रजापति। तस्यो अर्थात उसका, उष्णिक एक वैदिक छंद है, उसका नाम है उष्णिक, आसीत उत्पन्न हुआ, लोभ लोम्भ्य अर्थात शरीर पर के रोमों से गायत्री यानी प्रमुख वैद स्तोत्र जो गायत्री मंत्र है च भी त्वच चमड़ी से विभो यानी प्रभु के, त्रिष्टुम मानसात त्रिष्टुप अर्थात एक विशेष प्रकार का छंद है, मांसात अर्थात मांस से, स्तनु अर्थात श्राओं से, अनुष्टुप अर्थात अन्य छंद है, जगति एक अन्य छंद है, स्तनः हड्डियों से प्रजापते जीवों के पिता के। अभी अलग अलग छंदों जो छंद होते हैं ना, जैसे गायत्री छंद है, अनुष्टुप छंद है, वो कहाँ से पैदा हुए उसके विषय में बता रहे हैं। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान प्रजापति के शरीर के रोमों से उष्णिक अर्थात साहित्यक अभिव्यक्ति की कला उत्पन्न हुई, प्रमुख वैदिक मंत्र गायत्री जीवों के स्वामी की चमड़ी से उत्पन्न हुआ, त्रिष्टुप उनके मांस से, अनुष्टुप उनकी शिरावों से तथा जगती छंद उनकी हड्डियों से उत्पन्न हुआ। मज्जाया पंक्तिरुत्पन्ना बृहति प्राणतो भवत्। मज्जाया अर्थात अस्थि मज्जा से
पंक्ति एक विशेष प्रकार के श्लोक है उत्पन्न हुए। बृहति अन्य प्रकार का श्लोक प्रणतः प्राण से उभवत अर्थात उत्पन्न हुआ। पंक्ति श्लोक लिखने की कला का उदय अस्थि मज्जा से हुआ और एक अन्य श्लोक बृहति लिखने की कला जीवों के स्वामी के प्राण से उत्पन्न हुई। तो जितना भी यहाँ संसार में ज्ञान है, जो कुछ भी है, वो ब्रह्मा जी के अंदर से ही प्रकट हो रहा है। जितने छंद हैं और जो श्लोक लिखने की कला है, जो कुछ भी है, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास जितने वर्ण हैं, जितने आश्रम हैं, उनकी जो वृत्तियां हैं, वो सब ब्रह्मा जी के अंदर से उत्पन्न, क्योंकि संसार में कुछ भी नहीं था तो ब्रह्मा जी इस तरह से उत्पन्न करते जा रहे हैं। तो यहाँ तक ब्रह्मा जी ने इतने सारे वस्तुओं को प्रारंभ किया, आगे हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।